प्रिय भाई और बहनों आज हम प्रवीयसु के पुनरुत्थान का पर्व मनाते हैं प्रभु येसु के पुनरुत्थान का पर्व हम विश्वासियों के लिए हम मसीहों के लिए सबसे बड़ा पर्व है और इसलिए हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण दिन है प्रभु येसु के पुनरुत्थान का पर्व विजय का पर्व है आनंद का पर्व है महिमा का पर्व है आशा का पर्व है उम्मीदों का पर्व है नए जीवन का पर्व है सकारात्मकता का पर्व है और इसीलिए यह त्योहार हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण त्योहार है हमारे आश्रम में हर साल सबसे ज्यादा भीड़ प्रवीसु के पुनरुत्थान का पर्व मनाने आती है हजारों की संख्या में मैं गिनना नहीं चाहता हूं हजारों की संख्या में लोग विश्वासी लोग तंबू या टेंट या इस शेड के नीचे बैठते हैं और अपने हाथों में जलती हुई मोमबत्तियाँ लेकर प्रभु का गुणगान करते हैं कितना सुंदर नज़ारा है वास्तव में प्रभु की कृपा है तो आज का दिन हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण दिन है संत पौलुस कहते हैं कुरिन्तों के पहले पत्र के अध्याय पंद्रह वाक्य सत्रह में यदि येसु मसीह मृतकों में से नहीं जी उठे तो हमारा विश्वास व्यर्थ है यीशु का पुनरुत्थान हमारे विश्वास की नींव है हम एक जीवित प्रभु पर विश्वास करते हैं हम एक जीवित प्रभु की आराधना करते हैं हम एक जीवित प्रभु से प्रार्थना करते हैं इसलिए आज का दिन हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है देखिए 2000 वर्ष पहले प्रभु येसु इस संसार में आए शरीर में आए देहधारी बनकर आए उनका जन्म बेतलेह में हुआ कुछ समय के लिए वे मिस्र में उनका पालन हुआ था उसके बाद वे वापस लाए गए गलीलिया के नाजरत में उनका लालन पोषण हुआ जब वे सुसमाचार की घोषणा शुरू किए तो वे कफरनाऊ चले गए उनकी मृत्यु कलवारी पहाड़ पर हुई जब तक प्रभु यशु शरीर में थे वे समय और स्थान की सीमा में थे परिधि में थे एक समय एक ही जगह होते थे लेकिन पुनरुत्थान के बाद प्रभु येसु सर्वव्यापी बन गए वे सर्वत्र हैं इसीलिए प्रभु येसु ने पुनरुत्थान के बाद अपने शिष्यों को अलग अलग जगहों पर दर्शन दिए किसी को सड़क पर किसी को समुद्र के तट पर किसी को बंद कमरे में प्रभु येसु सर्वत्र हैं, सर्वव्यापी हैं, वो आपके साथ इस समय ही इज यू वो आपके साथ हैं बाइबल में बार बार बताया गया है कि मैं तुम्हारे साथ हूं प्रभु कहते हैं लेकिन पुनर्जीवित यीशु सदा हमारे साथ हैं इसीलिए प्रभु यीशु ने कहा है मत्ती के सुसमाचार के अध्याय अठारह उसके वाक्य बीस में जहां दो या तीन मेरे नाम पर इकट्ठे होते हैं उनके बीच में मैं उपस्थित रहता हूं देखिए प्रभु की उपस्थिति वहां पर आ जाती है तुरंत यानी प्रभु स्वयं वहां पर विराजमान होते हैं मती के समाचार के अध्याय अट्ठाईस उसी वाक्य बीस में प्रभु क्या कहते हैं कि संसार के अंत तक मैं सदा तुम्हारे साथ हूं पुनर्जीवित येसु हमारे साथ हो लेते हैं पुनर्जीवित येसु एमैनुअल बनते हैं यानी ईश्वर हमारे साथ कुछ दिन पहले एक बहन यहां पे आई थी 20-25 साल पहले उन्होंने प्रभु येसु को अपनाया और महसियत को अपनाया उन्होंने कहा प्रभु को जानने से पहले उनको सपने में एक बार दर्शन मिला उनको बाइबल दी गई थी और कहा गया था इसको पढ़ो उनके पति को भी वही सपना मिला इसलिए दोनों ने तय किया कि हम बाइबल पढ़ेंगे प्रभु यीशु को जानेंगे जानने लगे उनसे प्यार करने लगे प्रभु को अपनाएं उनके मसीहा बने उनके मुक्तिदाता बने उनके प्रभु बने उन्होंने पूरी तरह से प्रभु को अपनाया आज मैं हजारों लोगों के जीवन में पुनर्जीवित येसु के ऐसे चमत्कार देखता हूं हमारे क्रिस्त भक्तों में कई लोग आके हमें बताते हैं कि येसु ने हमें ऐसे दिखाई दिया ऐसे दिखाई दिया हजारों लोगों के जीवन में इस तरह पुनर्जीवित येसु प्रकट होते हैं क्योंकि वो पुनर्जीवित हुए हैं वो सर्वत्र हैं सबके लिए हैं प्रभु येसु के शिष्य येसु की मृत्यु के बाद बिल्कुल निराश हो गए थे उदास हो गए थे बड़ी बड़ी उम्मीदें लिए वे यीशु के पीछे हो लिए थे अधिकतर लोगों ने अंत तक यह सोचा कि यीशु यहूदियों के राज्य की स्थापना करेंगे और उस राज्य में उनको अच्छा पद मिल जाएगा लेकिन प्रभु यीशु की मृत्यु के साथ उनके सारे सपने टूट कर चूर हो गए वे निराश हो गए उदास हो गए उन्होंने सोचा कि हम बेकार ही इनके पीछे तीन साल चले सुसमाचार में हम पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु के शिष्य एक कमरे में बंद पड़े थे यौन अध्याय बीस में पढ़ते हैं बंद पड़े थे निराश होकर अंदर से कमरे बंद था दरवाजा बंद था पुनर्जीवित प्रवेश करते हैं इस तरह उनके जीवन में प्रवेश करके उनको आशा से भर दिया आनंद से भर दिया नए जीवन से भर दिया और वे सर्वत्र जाकर इसका प्रचार करने लगे देखिए संत पौलुस क्या कहते हैं फिलिपियों के पत्र के अध्याय तीन उसके वाक्य दस में संत पौलुस कहते हैं मैं यीशु मसीह के पुनरुत्थान के सामर्थ्य का अनुभव करना चाहता हूं अंग्रेजी में उसका अनुवाद और बेहतर है ऑल आई वॉन्ट इज टू एक्सपीरियंस द पावर ऑफ द रिजरेक्शन ऑफ द लॉर्ड टू नो जीसस क्राइस्ट एंड टू एक्सपीरियंस द पावर ऑफ द ऑफ द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट यानी मैं येसु मसीह के पुनरुत्थान के सामर्थ्य का अनुभव करना चाहता हूं पौलुस ने अनुभव किया था आप जानते हैं पौलुस प्रभु येसु के शिष्यों पर अत्याचार करता था पकड़ पकड़ कर घसीट घसीट कर ले जाता था और बंदी गृह में डलवा देता था मरवा देता था अब दमिश्क में जाकर वहां रहने वाले विश्वासियों के साथ ऐसा ही व्यवहार करने के लिए जा रहा था दमिश्क के, के मार्ग पर उसे पुनर्जीवित येसु का अनुभव हुआ पुनर्जीवित येसु ने उसे दर्शन दिया चार ओर प्रकाश फैल गया वो अंधा हो गया पुनर्जीवित यीशु ने उसको अपने अधिकार में ले लिया वो अनुभव ऐसा सुंदर और अनोखा अनुभव था कि पौलुस कहता है कि मैं वही अनुभव बार बार जाता हूं मैं यीशु मसीह के पुनरुत्थान के सामर्थ्य का अनुभव करना चाहता हूं आप पढ़ेंगे प्रेरित चरित के अध्याय चार उसके वाक्य तैतीस में लिखा हुआ है शिष्य बड़े सामर्थ्य के साथ यीशु के पुनरुत्थान का साक्ष्य देते थे और उन पर बड़ी कृपा बनी रहती थी मेरे पीछे दोहराइय हाले लुइया हाल लुया शिष्य बड़े, बड़े। सामर्थ्य के साथ यीशु के, के पुनरुत्थान का, का साक्ष्य देते थे साक्षे देते और उन पर बड़ी कृपा बनी रहती थी हाल लुया हाल लुया हाल लुया हाले लुया शिष्य बड़े सामर्थ्य के साथ यीशु के पुनरुत्थान का साक्षी देते थे वे जहां कहीं भी जाते थे यीशु के पुनरुत्थान का साक्षी देते थे और उन पर बड़ी कृपा बनी रहती थी उन पर बड़ी कृपा बनी रहती थी यही सुसमाचार है क्या सुसमाचार कि यीशु हमारे साथ हैं यीशु मरने के बाद जी उठे और वो हमारे साथ हैं यही सुसमाचार है प्रेरित चरित्र में आप पढ़ेंगे प्रभु यीशु के शिष्य चारों ओर घूम घूम कर सुसमाचार का प्रचार करते थे ये सुसमाचार क्या है सुसमाचार यह है क्या कि हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए मरे और यीशु महिमा के साथ जी उठे यही सुसमाचार था और कुछ नहीं था और इसी का वे प्रचार करते थे यीशु हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए मरे और यीशु तीसरे दिन मृतकों में से पुनर्जीवित हुए इसी का भी प्रचार करती जाती थी चारों ओर घूम कर यीशु के येशु समाचार के प्रचार करते थे देखिए संत पौलुस क्या कहते हैं संत पौलुस कहते हैं तीमती के दूसरे पत्र के अध्याय दो वाक्य आठ में संत पौलुस कहते हैं दाऊद के वंश में उत्पन्न मृतकों में से पुनर्जीवित यीशु मसीह को बराबर याद रखो दाऊद के वंश में उत्पन्न मृतकों में से पुनर्जीवित यीशु मसीह को बराबर याद रखो मेरे पीछे दूर आइए हाल वंश हाल लुया दाऊद के वंश में उत्पन्न मृतकों में से पुनर्जीवित यीशु मसीह को बराबर याद रखो किस को बराबर याद रखो कैसे यीशु मसीह को मृतकों में से पुनर्जीवित यीशु मसीह को मृतकों में से पुनर्जीवित यीशु मसीह को बराबर याद रखो मैं देखता हूं अधिकतर विश्वासी लोग मसीही लोग क्रूसित यीशु को ही बराबर याद रखते हैं क्रूसित यीशु पर ही मनन चिंतन करते रहते हैं अपने दुखों को प्रभु के सामने लाते हैं क्रूस की ओर देखते हैं अच्छी बात है मैं स्वयं आपको बताता हूं लेकिन वहां तक हमारा मनन चिंतन और हमारी प्रार्थना समाप्त नहीं होनी चाहिए हमें आगे बढ़ना है यीशु मरने के बाद मृतकों में से जी उठे पॉलुस कहते हैं मृतकों में से जी उठे पुनर्जीवित यीशु मसीह को बराबर याद रखो अगर आप मृतकों में से जी उठे पुनर्जीवित यीशु मसीह को बराबर याद रखेंगे आप बराबर आनंद से भरे रहेंगे हाल लुया हाले। हालेलुया हालेलुया लुआया हाल मैं आपसे सच कहता हूं कुछ वर्षों से यानी करीब दस बारह तेरह वर्षों से मैं प्रभु यीशु के पुनरुत्थान के बारे में वचन सुनाता हूं जहां तक हो सके वचन सुनाने का प्रयास करता हूं और जितना मैं प्रभु यीशु के पुनरुत्थान के बारे में वचन सुनाता हूं उतना मेरे अंदर प्रभु का आनंद भर जाता है प्रभु यीशु के पुनरुत्थान के बारे में वचन सुनाने के बाद मेरे अंदर आनंद आ गया दुखों को आसानी से सामना करने का सामर्थ्य आ गया इसलिए मैं आपको आज बताना चाहता हूं बराबर पुनर्जीवित यीशु को याद करना कि यीशु मरने के बाद जी उठे यीशु मरने के बाद जी उठे जब शिष्य इसकी सूचना इसकी खबर और इसका प्रचार करते थे तो उन पर बड़ी कृपा बनी रहती थी जब आप यीशु के पुनरुत्थान के बारे में याद करेंगे मनन चिंतन करेंगे उसका प्रचार करेंगे तो आप पर भी बड़ी कृपा बनी रहेगी बोलिए हाँ ले लुया हाँ ले लुया हा ले हम पढ़ेंगे प्रेरित चर्च के अध्याय चार वाक्य तीन में कि सदुखी लोग येसु के शिष्यों से क्रुद्ध थे क्योंकि वे येसु के पुनरुत्थान के बारे में लोगों को बताते हुए उनके पुनरुत्थान के बारे में शिक्षा दे रहे थे यानी लोगों को बताए जा रहे थे कि येसु मसीह का पुनरुत्थान हुआ इसी तरह आपका भी पुनरुत्थान होगा अभी समझना जरूरी है कि सदुकी कौन थे सदुकी लोग यहूदियों में एक गुट था जो पुनरुत्थान पर विश्वास नहीं करते थे देखिए प्रभियसु के आने से करीब 300 साल पहले तक यहूदी धर्म में कोई भी पुनरुत्थान पर विश्वास नहीं करता था उनका विश्वास था एक ही जीवन है और मृत्यु जीवन का अंत है मृत्यु के बाद लोग अधोलोक चले जाते हैं इसीलिए उनका विश्वास था जो धर्मी थे उनको ईश्वर लंबी आयु देता था इसीलिए पुरुषों के बारे में आप पढ़ेंगे सौ साल तक जिए डेढ़ सौ साल तक जिए दो सौ साल तक जिए क्यों ऐसे बताया जाता था क्योंकि उनका विश्वास था कि धर्मियों को लंबी आयु मिलती थी और जो अधर्मी थे उनको छोटी आयु मिलती थी और उसके बाद वे अधोलोक चले जाते पुराने विधान में अधोलोक के बारे में आप पढ़ेंगे अधोलोक से कौन आपकी स्तुति करेगा अधोलोक से कौन आपकी महिमा करेगा लेकिन प्रभु यीशु के आने से करीब 300 साल पहले तक यहूदियों में पुनरुत्थान का विचार और पुनरुत्थान की परिकल्पना आने लगी यह समझना जरूरी है यहूदी धर्म में उस समय प्रभु यीशु के जमाने में साधु लोग पुनरुत्थान पर विश्वास नहीं करते थे स्वर्गदूतों पर विश्वास नहीं करते थे इसीलिए जब प्रभु यीशु के शिष्यों ने पुनरुत्थान के बारे में लोगों को बताया सदुखी लोग क्रुद्ध हो गए लेकिन जिस समय हम प्रभु यीशु के पुनरुत्थान पर विश्वास करने लगते हैं हमारे जीवन में परिवर्तन आएगा हमारे विचार बदल जाएंगे मैं स्वयं अपनी बात बता रहा हूं कि जब से मैं पुनरुत्थान के बारे में वचन सुनाने लगा उसके बाद मृत्यु के बारे में मेरा विचार बदल गया मेरे पिताजी का देहांत हुआ उस समय मैं एक जगह पे सभा चला रहा था घर नहीं जा पाया उनको दफना नहीं पाया जब आश्रम वापस आया तो आश्रम में मिसा बलिदान चाहा गया उनके लिए उनके नाम पर काफी लोग इकट्ठे थे मेरे साथी पुरोहित भी थे मेरे अधिकारी लोग थे मैंने उस दिन मिसा बलिदान में शुरुआत में यह कहा कि मुझे आनंद है मुझे खुशी है कि स्वर्ग में मुझे एक और मध्यस्थ मिल गया है और वो कोई और नहीं है बल्कि मेरे पिताजी हैं सच बता रहा हूं दस साल पहले उससे दस साल पहले मैं कभी इस तरह नहीं बोल सकता था मृत्यु के बारे में मेरा विचार बदल गया कई साल पहले मैंने एक प्रचारक की किताब पढ़ी उन्होंने लिखा है कि जब उनके पिताजी का देहांत हुआ देखिए अच्छे अच्छे घरों में बड़े घरों में आप देखेंगे घर होता है घर के बाहर गेट होता है गेट पर वहां पर नाम लिखा हुआ रहता है प्लेट रहता है फलाना फलाना पूरा एड्रेस के साथ तो इस प्रचारक पिताजी के नाम पर घर था और घर के बाहर जो गेट है उस पर उनका नाम था मिस्टर लॉरेंस और उनका पता लिखा हुआ था लेकिन प्रचारक के पिताजी के देहांत के बाद इस प्रचारक ने क्या किया उन्होंने वहां लिखा मिस्टर लॉरेंस उसके नीचे लिखा क्या लिखा मिस्टर लॉरेंस ने अपना निवास बदल दिया है देखिए मिस्टर लॉरेंस ने अपना निवास बदल दिया है कितनी सुंदर सोच है कि मृत्यु हमारे लिए विनाश नहीं है मृत्यु हमारे लिए एक दूसरे प्रकार के जीवन की शुरुआत है इसीलिए आप पढ़ेंगे मृतकों के मिसा बलिदान में आप देखेंगे वहां पर एक प्रार्थना है वहां पर लिखा हुआ है मृत्यु हमारे लिए विनाश नहीं बल्कि विकास है एक विश्वासी के लिए जो प्रभु प्रभि यशु पुनरुत्थान पर विश्वास करता है मृत्यु विनाश की बात नहीं बल्कि विकास की बात है देखिए पहला क्रंती अध्याय पंद्रह उसके वाक्य एक्यावन और बावन में संत पौलुस क्या कहते हैं पहला क्रंती अध्याय पंद्रह वाक्य एक्यावन और बावन में वहां पर संत पौलुस कहते हैं मैं आप लोगों को एक रहस्य सुनाता हूं मैं आप लोगों को एक रहस्य सुनाता हूं वो रहस्य क्या है आप लोग नहीं मरेंगे आप लोग नहीं मरेंगे हम विश्वासी मरने के लिए नहीं बनाए गए हैं कोई भी इंसान मरने के लिए नहीं बनाया गया है प्रज्ञा ग्रंथ की अध्याय दो वाक्य तेईस में लिखा हुआ है ईश्वर ने मनुष्य को अमर बनाया उसने उसे अपने प्रतिरूप बनाया ईश्वर ने हमें अमर बनाया है हमें मरने के लिए नहीं बनाया है और विशेष करके जो यीशु में विश्वास करता है वो कभी नहीं मरेगा के सुसमाचार के अध्याय ग्यारह वाक्य पच्चीस और छब्बीस में लिखा हुआ है प्रभु सुस्वय कहते हैं पुनरुत्थान और जीवन में हूं जो मुझ में विश्वास करता है वो मरने पर भी जीवित रहेगा और जो मुझ में विश्वास करते हुए जीता है वो कभी नहीं मरेगा हमारा शरीर मर सकता है लेकिन हम नहीं मरेंगे एक विश्वासी कभी मरता नहीं है यही कारण आप देखेंगे हम विश्वासी और मसीही लोगों के दफन के बाद कोई हमारी आत्माओं से डरता नहीं है क्योंकि हमारी आत्माओं को भटकना नहीं चाहिए एक विश्वासी को भटकने की आवश्यकता नहीं है उसने येसु पर विश्वास किया है येसु के पुनरुत्थान पर विश्वास किया है और वह पुनर्जीवित हो जाता है बोली हुईया कई साल पहले मुझे एक छोटी सी कहानी पढ़ने को मिली कहानी इस प्रकार है एक बार एक किसान जंगल गया और जंगल से उसको एक चील का अंडा मिला कभी बड़ा अंडा है चील का अंडा मिला वो चील के अंडे को लेकर घर पे आया उसने सोचा इसमें से बच्चा निकलवा दूंगा अपने मुर्गी के नीचे मुर्गी के अंडों के साथ चील के अंडे को भी रखा सेकने के लिए मुर्गी के अंडों से चूजे निकले उसी तरह चील के अंडे से भी चूजा निकला एक चील का बच्चा निकला जो बड़ा हो गया चलने फिरने लगा अन्य चूजों की तरह वो घूमता फिरता था जब और बड़ा हो गया मुर्गियों की तरह मुर्गों की तरह वो जमीन को खरोज खरोज के कीड़े मकौड़े खाता था अचानक एक दिन उसने देखा आसमान की ओर देखा उसने देखा उसी की तरह एक बड़ा चील आसमान पर उड़ रहा है उस चील को यह नहीं मालूम था कि वह आसमान पर उड़ सकता है एक विश्वासी मरने के लिए नहीं बनाया गया यही विश्वासी मरता नहीं है एक विश्वासी सदा जीवित है जो यीशु पर विश्वास करता है यीशु के वचनों के अनुसार जीता है वो सदा जीवित रहेगा गेहूं की मिट्टी के अंदर डाल दीजिए क्या होगा वो विनष्ट होगा लेकिन उसमें से अंकुर फूटेगा क्योंकि उसके अंदर जीवन है बोलिए या ले लुया हा ले इसीलिए संत पौलुस कहते हैं कि मृतकों में से पुनर्जीवित येसु मसीह को बराबर याद रखो मृतकों में से पुनर्जीवित यीशु मसीह को बराबर याद रखो जब हम मृतकों में से पुनर्जीवित यीशु मसीह को बराबर याद रखेंगे तो क्या होगा मालूम हम अपने पुनरुत्थान पर विश्वास करेंगे जब हम अपने पुनरुत्थान पर विश्वास करेंगे तो इस संसार का दुख हमारे सामने छोटा दिखाई देगा इस संसार का दुख हमारे सामने छोटा दिखाई देगा देखिए संत पौलुस क्या कहते हैं रोमियो पत्र के अध्याय आठवा वाक्य अठारह में जो महिमा हमें प्रकट होने को है उसकी तुलना में इस संसार का दुख नगण्य है जब यीशु के पुनरुत्थान पर विश्वास करते हैं अपने पुनरुत्थान पर विश्वास करते हैं तो हमारे अंदर यह विचार आ जाता है पौलुस कहते हैं जो महिमा हमें प्रकट होने को है उसकी तुलना में इस संसार का दुख नगण्य है मेरे पीछे दूर आइए हालेलुया 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 जो महिमा जो हमें, प्रकट होने, को है. हमें प्रकट, प्रकट होने को है उसकी तुलना उसकी में इस संसार का दुख नगण्य है और एक बार दोहराइए प्यार से जो महिमा हमें प्रकट होने को है उसकी तुलना में इस संसार का दुख नगण्य है बोलिए हाल लुया हाल लुया हाल लुया तो जब हम पुनरुत्थान पर विश्वास करते हैं यीशु के पुनरुत्थान पर विश्वास करते हैं हमें नई आंखें मिल जाती हैं हमें संसार के दुखों के परे देखने की शक्ति मिल जाती है इस संसार के दुखों से परे उस महिमा को देखने की शक्ति मिल जाती है सवाल ही खड़ा होता है कि हम प्रभु यीशु के पुनरुत्थान का कैसे अनुभव करें सीधी बात है यीशु के साथ मरना और यीशु के साथ जी उठना दूसरा तिमती अध्याय दो वाक्य ग्यारह दूसरा तिमती अध्याय दो वाक्य ग्यारह में संत पौलुस कहते हैं यदि हम येसु के साथ मर जाएंगे येसु के साथ जी उठेंगे यदि हम येसु के साथ मर जाएंगे तो हम येसु के साथ जी उठेंगे रोमियों के पत्र के अध्याय छह में संत पौलुस हमें समझाते हैं विशेष करके जो आप लोग बपतिस्मा प्राप्त हैं हमें समझाते हैं रोमी अध्याय छे उसके वाक्य तीन से रोमी अध्याय वाक्य तीन से हम पढ़ते हैं कि आप लोग यह नहीं जानते कि ईसा मसीह के जो बपतिस्मा हम सबको मिला है वह उनकी मृत्यु का बपतिस्मा है हम उनकी मृत्यु का बपतिस्मा ग्रहण कर उनके साथ इसलिए दफनाए गए हैं कि जिस तरह मसीह पिता के सामर्थ्य से मृतकों में से जी उठे हैं उसी तरह हम भी एक नया जीवन जिए यदि हम इस प्रकार उनके साथ मर कर उनके साथ एक हो गए हैं तो हमें भी उन्हीं की तरह जी उठना चाहिए बोलिए हालिया हालेलुया 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 देखिए सबसे पहले एक व्यक्ति यीशु के पास आता है के वचनों को सुनता है के प्यार के स्पर्श का अनुभव पाता है चंगाई पाता है कुछ कृपा पाता है उसके बाद उसको क्या करना चाहिए उसको धीरे धीरे यीशु के साथ मरना सीखना चाहिए उसको एक नया जीवन मिल जाएगा लेकिन उसके लिए यीशु के साथ मरना होगा यानी पाप के लिए मरना होगा जब हम पाप के लिए मर जाएंगे तब हम यीशु के साथ जी उठेंगे हमें एक नया जीवन मिल जाएगा कई लोग पाप से जूझ रहे हैं बुरी आदतों से जूझ रहे हैं कई प्रकार के पाप में मनोभावों से जूझ रहे हैं आप धीरे धीरे यीशु के साथ मरे उस पाप के साथ मरने लगेंगे प्रभु आपको उस पाप पर अधिकार देंगे आप जीत पाएंगे लेकिन आपको प्रयास जरूर करना है आपको प्रयास जरूर करना है प्रभु की कृपा से माता मरीम की विशेष मध्यस्था द्वारा पवित्र आत्मा के सामर्थ्य के द्वारा आप प्रयास करेंगे आप देखेंगे प्रभु ये आपको झिलाएंगे बोलिए हालेलुया लुहिया हालेलुया हालेलुया लुया हम लोग बार बार आज हाल बोलते जा रहे हैं क्योंकि आज हाल का दिन है हाल के दिन हाले का मतलब क्या है हाल लेल मतलब स्तुति करो यू का मतलब आदेश सूचक है यानी चलो या यावे का शॉर्ट फॉर्म है छोटा रूप है यावे का मतलब परमेश्वर यानी चलो परमेश्वर की स्तुति करो बोली लुया हाल लुया हाल लुया हाल लुया हाल लुया बोलिया हम एक गीत गाएंगे प्रभु यीशु के पुनरुत्थान के बारे में प्रभु हमारा जीवित है और हमारे साथ है बहुत सुंदर गीत है प्रभु हमारा जीवित है सर्वशक्तिमान है प्रभु हमारा जीवित है सर्वशक्तिमान है, हमारा है, सर्व है। प्रभु हमारा जीवित है सर्वशक्तिमान है एक प्रभु हमारा जीवित है सर्वशक्तिमान वही हमारा रक्षक है वही हमारी शरणशिला प्रभु हमारा सर्व शक्ति दो प्रभु हमारा जी शक्ति तालियां मिलते हुए पाप क्षमा करता है वो परम पिता का बेटा वो प्रभु हमारा जीवित सर्व शक्ति है। प्रभु हमारा जीवित है गाइए शक्ति हराता वो मृत्युंजय कहलाता वो हमारा तो रोगों को मिटाता वो पाप क्षमा करता वे वो हमारा जीवित है जीव है है। वही हमारा रक्षक है वही हमारी शरण ठीला हमारा जीवित है सर्वशक्तिमान है। से हमारा जीवित है सर्वशक्तिमान है पाप क्षमा करता है वो परम पिता का बेटा तो वो हमारा मृत्यु को हराता वो मृत्युंजय कहलाता वो हमारा जीवित है प्रभु हमारा जीवित है माने है रोगों को मिटाता वो पाप क्षमा करता है वो हमारा जीवित है, बजाते हुए सब लोग मिलकर कर तो बार बार प्रभु हमारा जीवित है सर्वशक्तिमान है 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 प्रभु हमारा जीवित है हालेलुया 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 आराधना 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 महिमा 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 पुनर्जीवित यीशु हम घोषित करते हैं तू मरने के बाद तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा है आलेलुया, 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 आलेलुया। एक दो पल के लिए अपनी आंखें मंद करना येसु पुनर्जीवित है येसु मर गए दफनाए गए और तीसरे दिन महिमा के साथ पुनर्जीवित हुए और भी येसु इस समय आपके करीब हैं आपके पास हैं। वो आपको प्यार करते हैं आज अपनी आशीषों से भरना चाहते हैं यीशु के लिए अपने हृदय को खोलिए अपने परिवार के द्वार को खोलिए अनुग्रहकारी आश्चर्यकारी ये सु आज मेरे और मेरे परिवार के जीवन में कार्य करेंगे आई बिलीव मैं विश्वास करता हूं आई बिलीव मैं विश्वास करता हूं धन्यवाद यीशु, तेरी महिमा तेरी आराधना तेरी स्तुति